गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गिरीश कुमार भाटी और आज आपके सामने एक और नई सीरीज दे रहा हूं मैं आपको, क्लास 9 के एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस का जो मैथमेटिक्स है उसकी ये नई सीरीज आज लॉन्च होने जा रही है और ये सीरीज है हीरोन्स फार्मूला। तो इस सीरीज के अंदर हम एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, साथ साथ में हीरोन्स फार्मूला क्यों हमें हीरोन्स फार्मूला की ज़रूरत पड़ी वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है और इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। हमारी इस वीडियो सीरीज़ को अगर आप पसंद करते हो, आपको ये वीडियोज़ हेल्पफुल हो रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सके। तो इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ट्रायंगल्स के टाइप्स और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पहले इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बाद स्टेप बाय स्टेप पार्ट 2, 3, 5, 6 के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो समझ लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वाई वी स्टडी दिस चैप्टर, हमें ये हीरोन्स फार्मूला पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उसके पीछे का रीज़न है कि ट्रायंगल के मेनली तीन टाइप्स हैं, वैसे तो साइड के आधार पे और एंगल के आधार पे हमारे पास टोटल ट्रायंगल की 6 कैटेगरी है, बट मैं सिर्फ साइड की बात करूँ तो ऐसा कोई ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है। एक और भी ट्रायंगल होता है जिसकी सिर्फ दो साइड इक्वल होती है, तीसरी साइड डिफरेंट होती है। तो दो साइड इक्वल होने वाले ट्रायंगल को हम आइसोस्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं और उसका जो बेस साइड है वो डिफरेंट होता है, बाकी के दो साइड इक्वल होते हैं। बाकी रहा एक और ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल बोला जाता है, जिसमें आपको तीनों साइड डिफरेंट देखने को मिलती है, जैसे ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। इसमें ऑल साइड्स कैसी होती है, डिफरेंट होती हैं। तो हीरोन्स है एक महान मैथमेटिशियन थे अलेक्जेंड्रिया के, और इन्होंने वैसे तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ढूंढने का भी फार्मूला है, आइसोस्केलेन ट्रायंगल का एरिया ढूंढने का भी हमारे पास फार्मूला है, बट अभी तक स्केलेन ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं था। इसीलिए हीरोन्स जो महान अलेक्जेंड्रिया के महान मैथमेटिशियन थे, उन्होंने स्केलेन ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का सोचा और फाइनली उन्होंने बहुत कुछ हार्डवर्क किया और हार्डवर्क करने के बाद उन्होंने फाइनली हमारे सामने एक स्केलेन ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला रख दिया। तो हीरोन्स फार्मूला के अंदर हम स्केलेन ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अभी मिल गया होगा, व्हाई वी स्टडी दिस चैप्टर टू फाइंड द एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि इस अगर ये स्केलेन ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती हैं तो ये एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है ए बी और सी, बट कंडीशन ये दिया हुआ है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी। यहाँ पे कोई साइड्स इक्वल नहीं है। देखो मैंने ए बी को स्मॉल ए से दिखाया है, बी सी को स्मॉल सी से दिखाया है और ए सी को मैंने स्मॉल बी से दिखाया है। वैसे भी मैंने हर एक साइड को अलग अलग पेन से दिखाया है, नीचे वाली ब्लैक पेन, ये वाली ब्लू पेन और यहाँ से रेड पेन, ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि तीनों की तीनों साइड में से एक भी साइड आपस में इक्वल नहीं है। मैं हमेशा क्लॉकवाइज चलता हूँ, इसलिए मैंने ए बी सी दिया है।
आप चाहो तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हो, ए बी सी भी देख सकते हो, मगर मैं हमेशा क्लॉकवाइज रूल फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं इसको ए, इसको बी और इसको सी नाम देता हूँ। तो हिरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फर्स्ट, अगर आपको किसी स्केलेन ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा, आपको उसकी पेरीमीटर निकालनी होगी। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे ए बी और सी, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कर दिया मैंने। और स्टेप वन होने के बाद स्टेप टू के अंदर हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर को हम ऐसे दिखाते हैं, और सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब आपने जो पहले स्टेप में जो पेरीमीटर निकाली है उसका आपको हाफ कर देना है, बाई टू कर देना है, ठीक है, जिससे आपको एस की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि थर्ड स्टेप के अंदर एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्केलेन ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर, और फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर सेमी पेरीमीटर माइनस सेकेंड साइड, और थर्ड ब्रैकेट के अंदर सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड। फाइनली इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी जिसको हम मीटर स्क्वायर या यूनिट लगाकर आंसर के तौर पे यूज करेंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो के अंदर हमने बेसिक के बारे में डिस्कशन किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगर आप हिरोन्स फॉर्मूला लगाओ तो कैसे लगा सकते हो। तो हम आपको हिरोन्स फॉर्मूला कैसे यूज करना है, मैं आपको एक क्वेश्चन के अंदर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं हमेशा क्लॉकवाइज रूल फॉलो करता हूँ, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्या करूँगा, पहले अपनी साइड्स को डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरी ए साइड है वो 32 है मीटर, बी साइड है वो 24 मीटर, और जो सी साइड है वो 40 मीटर हो रहा है, राइट। अभी हम क्या करेंगे, मैं हिरोन्स फार्मूला का फर्स्ट रूल अप्लाई करूंगा। सबसे पहले मैं पेरीमीटर फाइंड करूंगा, पेरीमीटर पी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो 32 प्लस 24 प्लस 40, एडिशन करने में जल्दबाजी ना करें क्योंकि यही स्टेप में अगर गलती कर दी तो पूरा सम आपका गलत जाएगा। 32 24 40।